सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ऐसा लगता है आज इस सेमिनार में काफी लोग आए हुए हैं। सीईओ हांगिल पार्क के लेक्चर को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे? यदि आप महीने में 30,000 या $50,000 कमाना चाहते हैं तो आपको एक आवश्यकता को पूरा करना होगा, जो है आपको लेडीज और जेंटलमैन बनना है। यदि आप लेडीज और जेंटलमैन ना बने तो वो धनराशि आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, मार्केटिंग की और सेल्स के जो सफल हुए लोग हैं, वो अपने निष्कर्ष में कुछ ऐसा ही कहते हैं। मार्केटिंग और सेल्स की ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो किताबों में लिखी हुई है, जहां पर लिखा है कि कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसा रवैया होना चाहिए, क्या आपको पहनना है। लेकिन सभी का निष्कर्ष एक समान होता है कि आप कोई उत्पाद नहीं बेचते बल्कि अपने आप को बेचते हैं। इस प्रकार से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उत्पाद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सेल्समैन और सेल्समैन जब तक भरोसा ना करे ग्राहक आपके ऊपर, आप उस उत्पाद को नहीं बेच सकते हैं। यदि आप सफल लोगों को देखें जो आज सेल्स में सफल लोग हैं, जैसे कि जो गिराड था, जो 12 वर्षों से लगातार विश्व का सबसे महान कार सेल्समैन रहा है, इस तरह के लोग वो कहते हैं कि आप कौन हैं, आप उस बात को बेचते हैं और उसके लिए निष्ठा और ईमानदारी की भी जरूरत होती है। चाहे आपका नुकसान हो या लाभ हो, लेकिन जब तक आप ईमानदार नहीं हैं तो आप एक सफल सेल्समैन नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप लोगों को जाल में ना फंसाएं, सिद्धांतों का पालन करते रहें तो आप सफल हो जाएंगे। बेशक आज का जो विषय है वो है आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप सफल हो सकते हैं, और इसके तीन कारण है कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं। पहला कारण यह है कि कोई डूब लागत नहीं है। आपके पास शून्य पूर्ण व्यापी लागत है, संभावित रूप से आपके पास शून्य प्रारंभिक निवेश है। अगला, दूसरा कारण यह है कि हर एक काम सभी लोग साथ मिलकर करते हैं, आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं, दूसरे साथ मिलकर कर रहे हैं। अंतिम कारण है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव यहाँ पर लागू होता है। इन तीन स्थितियों के कारण आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको डूब लागत को समझाते हुए शुरू करता हूँ। डूब लागत के बारे में इस तरह से सोचा जा सकता है, यदि आप अपने उस काम को छोड़ दें जो आप कर रहे हैं, तो जो पैसा आपने निवेश किया है क्या आप उसे वापस प्राप्त कर पाएंगे? यदि ऐसा नहीं है तो इसे बोलते हैं डूब लागत, क्योंकि या तो वो जमीन में गड़ गया है या फिर समुद्र की तह में चला गया है। मान लीजिए आप अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए और आपने अपना एक रेस्तरां खोल दिया। रेस्तरां शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके पास एक साइन बोर्ड होना चाहिए, है कि नहीं? और आपके पास किचन के बहुत से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मेज होना चाहिए, मेहमानों के लिए इंटीरियर होना चाहिए, बहुत सारे खाद्य पदार्थ होने चाहिए और रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। इस तरह से रेस्तरां खोलने के लिए कितना निवेश आपको करना पड़ेगा? आपको $1,00,000 की आवश्यकता होगी, या फिर आप $50,000 से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको $1,00,000 की आवश्यकता है बड़े अच्छे सुंदर रेस्तरां के लिए। डूब लागत के मामले में आपको इस बात पर विचार करना होगा कि अगर आप अपना रेस्तरां क्लोज कर ले, बंद कर दे, तो $1,00,000 आपको वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो अपना साइन बोर्ड आप कहाँ बेचेंगे? क्या आप अपना साइन बोर्ड बेच सकते हैं जिसके ऊपर लिखा होगा जोज रेस्तरां? नहीं, आप नहीं बेच सकते हैं। विशेष रूप से शुरू करने के लिए अगर आपने पैसा लगाया हो, अगर आप उसे वापस प्राप्त ना कर पाए तो उस पैसे को कहते हैं डूब लागत। रख रखाव हो, प्रवेश शुल्क हो, ये सब इसी श्रेणी में पाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपको कहा जाए कि एटॉमी में पंजीकृत होने के लिए $1,000 की धनराशि आपको देनी पड़ेगी, और जब आप छोड़ दें तो क्या वो पैसा आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि $1,000 वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए उसे हम कहते हैं डूब लागत। यदि आपको कहा जाता है कि $5,000 की आमदनी प्राप्त करने के लिए आपको $1,000 के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, और इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने घर पर आपने $1,000 के इकट्ठा कर दिए, क्या आप उन्हें बेच सकते हैं या वापस भेज सकते हैं? इसे बोलते हैं डूब लागत, क्योंकि आप उस लागत को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपकी डूब लागत बहुत बड़ी हो जाती है। तो चाहे फिर आप पैसा कमा भी लें, लेकिन आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, जिसका मतलब है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे।
परंतु एटॉमी में ये डूब लागत क्यों नहीं है? बहरहाल यहाँ पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, कोई रखरखाव शुल्क नहीं है महीने का। आप बिना नुकसान के ज्वाइन करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए यहाँ कोई डूब लागत नहीं है। आइए हम दूसरी शर्त पर बात करेंगे। साथ मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले काम करने के बजाय आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप सोचिए इस बारे में, कोरिया की शीर्ष कंपनियों में बहुत ही प्रतिभावान लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, तो फिर सामान्य व्यक्ति के लिए हजारों डॉलर महीना कमाना कैसे संभव हो सकता है? ये संभव है क्योंकि लोग साथ मिलकर काम करते हैं। यदि आप दूसरों के साथ मिलकर काम ना करें तो अकेला करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप ऐसा पूछ सकते हैं कि जब हम साथ मिलकर काम करें तो ये संभव कैसे हो सकता है, और वो मुख्य फैक्टर क्या है? जब आप सोशल नेटवर्क जैसी किसी चीज के साथ साथ मिलकर काम करते हैं और आपको लगता है कि आप ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आप 3,000 डॉलर महीने से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकते। एक चाइनीज कहावत है कि 3 मोचियों ने जुंग लियांग को हरा दिया। इसे कहावत के रूप में जाना जाता है, वो इसीलिए क्योंकि साधारण लोगों ने हजारों वर्षों के बाद इस तरह की बुद्धि प्राप्त की। यदि कोई व्यक्ति पहचान पा ले तो किसी विद्वान का उदाहरण वो दे सकता है, परंतु कहावत के साथ ही लागू नहीं होता। ये सामान्य लोगों की बुद्धि थी जो परीक्षाओं के समय में स्थिर रहे। बीते समय में मोचू को समाज में सबसे निम्न स्तर का दर्जा दिया जाता था। वे समाज के कमजोर लोग हुआ करते थे, और अब इस कहावत में जो मोची है वो बुद्धिमान लोग नहीं थे बल्कि मूर्ख थे, परंतु फिर भी अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा उन्होंने जुंग लियांग को हरा डाला। क्या आपने शिनयू और लियू बैंग की कहानी सुनी है? उन दो में से विजयी कौन हुआ था? लियू बांग ने शिनयू को हरा दिया और हान वंश के गोजू का सम्राट बन गया। किम ची होंगबी ने चाइना को संगठित किया, मगर 15 वर्षों के अंदर ही उनका वंश गिर गया। इस प्रकार से शियांगयू और लियू बांग सम्राट पद की होड़ में लग गए, और शियांगयू और लियू बांग वो बेमिसाल लोग थे। शियांगयू चू राज्य के एक आदर्श सैन्य परिवार से आता था, और दूसरे लोगों के बीच में उसे उसकी अथाह शक्ति और साहस के लिए जाना जाता था। उसे नायकों का नायक माना जाता था। यद्यपि लियू बांग हान वंश के गोजू का सम्राट बन गया था, परंतु हान राज्य के वो सम्राट के समय के दौरान जो इतिहास की पुस्तकें लिखी गई उसमें लियू बांग के माता पिता का असल नाम कभी नहीं लिखा गया। बजाय इसके ओल्ड सर लियू, ओल्ड मैडम लियू के नाम से उन्हें लिखा गया। वो भी एक छोटे से गांव में निम्न स्तर का एक गश्ती अधिकारी था। तो फिर शियांगयू को उसने कैसे हरा दिया? बिल्कुल, शियांगयू ये मानता था कि केवल वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए वो दूसरों की नहीं सुनता था, और वह व्यक्तिगत बुद्धि की वजह से खत्म हो गया। और दूसरी तरफ लियू बांग जानता था कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि वो एक लोकल गुंडे की तरह था जो उधारी पर शराब पीता था, परंतु किसी वजह से वो बुद्धिमान सलाहकारों के हाथों में चढ़ गया, जैसे कि जांग लियांग, श्याओही, श्योशेन, हानशिन। और अब लियू बांग उनके हर प्रस्ताव को सुनता था और अपनी सहमति देता था। और इस प्रकार एक भविष्य ज्ञानी ने जांग लियांग से पूछा कि आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति लियू बांग जैसे मूर्ख व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है? ये प्रश्न सुनने के बाद जांग लियांग ने उत्तर दिया कि एक बड़े पद अधिकारी के लिए निम्न स्तर के व्यक्ति की बातों को सुनना बड़ी असंभव सी बात होती है, ये आसान काम नहीं होता, मगर लियू बांग सब कुछ सुनता है, इसलिए मैं लियू बांग का अनुगमन करता रहूंगा। और अंत में लियू बांग हान वंश का गोजू का सम्राट बन जाता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग शियांगयू के समान हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास उच्च योग्यता होगी, पिछला अच्छा करियर होगा, विशिष्ट गुण होंगे, मगर फिर भी आप में से जो इस तरह के हैं, वे उन 3 मूर्ख मोचियों के हाथों से हार जाएंगे। यही एटॉमी बिजनेस का जादू है और क्यों हमें साथ मिलकर काम करना है। इसी प्रकार से एक अकेला पेड़ कभी जंगल नहीं बन सकता है कि नहीं? जब बहुत सारे महत्वहीन पेड़ों से मिलकर जंगल बन जाता है तो बहुत सारे जीव जंतु वहां पर अपना बसेरा बनाते हैं, और इस तरह से वे सभी इस परिस्थिति के तंत्र में अपना जीवन बिताते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि आप एक बड़ा पेड़ है और किसी खेत के बीच में है, तो उस अकेले पेड़ के नीचे कोई जीव जंतु निवास नहीं करेगा, और इसके पीछे जो भेद है उसे सामूहिक बुद्धि कहा जाता है, और यह अवधारणा सुपर ऑर्गेनिज्म के सिद्धांत के समान है। विलियम मॉर्टन व्हीलर नामक व्यक्ति के द्वारा इस सामूहिक बुद्धि की अवधारणा की खोज की गई। वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे,
जब वो मधुमक्खियों और चींटियों के जीवन जिनका जीवन सामूहिक जीवन होता है उनके उपनिवेशों के ऊपर अनुसंधान और अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर जीव अपने आप में एक संपूर्ण देहिक जीव है, परंतु जब वे किसी उपनिवेश का निर्माण करते हैं तो हर जीव अपने व्यक्तित्व को छोड़ देता है और ऐसे काम करते हैं जैसे मानव एक बड़े जिस्म का वो एक अंग हो, और अनिवार्य रूप से वो अपने अपने हिस्से को बड़ी विश्वास योग्यता से करते होंगे, जिसका अर्थ है कि उनमें श्रम का बंटवारा पूरी तरह से होता है। और इसी घटना को बयां करने के लिए सुपर ऑर्गेनिज्म इस वक्तव्य को गढ़ा गया। यदि कोई चीज सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाती है तो आप भी उसे प्राप्त करते हैं, जिसे सामूहिक बुद्धि कहा जाता है। और सभी विद्वानों का सार भी यही है कि सामूहिक बुद्धि के ऊपर व्यक्तिगत बुद्धि प्रबल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही शियांग यू, जिसे माना जाता था कि उसकी ताकत उसका साहस अकल्पनीय है, एक मूर्ख व्यक्ति ल्यू बांग के हाथों से हार गया जिसने सामूहिक बुद्धि का इस्तेमाल किया। आधारित रूप से चाहे व्यक्तिगत बुद्धि कितनी ही महान क्यों ना हो, परंतु सामूहिक बुद्धि से उसका कोई मेल नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर पहले अंग्रेजी दार्शनिक थे जिन्होंने यह बताया था कि जो समाज है वह एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। इस प्रकार से समाज एक सुपर ऑर्गेनिज्म और आप एक ऐसे आधुनिक समाज में रहते हैं जिसमें श्रम विभाजन के द्वारा हर प्रकार का तनाव कम होता है। एटॉमी संगठन भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको लगता है कि आप सबसे चतुर हैं और केवल अपने ऊपर ही ध्यान दें तो आप कभी भी सुपर ऑर्गेनिज्म का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। किसी नेटवर्क या संगठन में यदि आप अपनी हिस्सेदारी में ईमानदारी निभाएं तो आप सामूहिक बुद्धि का हिस्सा बन जाते हैं और हजारों में कमाई करते हैं। आगे देखेंगे, सुपर ऑर्गेनिज्म अपने आप को केंद्र में रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके आपके सहयोगियों और आपके स्पॉन्सर्स के विषय में है जो साथ मिलकर सुपर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। खुद पर केंद्रित अवधारणा में आप अक्सर यह सोच लेते हैं कि सारी गलती जो की है वो दूसरों की वजह से हुई है, और यदि ऐसा होता है तो सुपर ऑर्गेनिज्म के मायने खत्म हो जाते हैं और फिर आप एक सामूहिक बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जिन लोगों की तलाश एटॉमी को है वो कोई बैटमैन, कोई सुपरमैन या कोई वंडर वुमन नहीं है। यद्यपि चाहे कोई इस तरह का सुपर हीरो होता भी तो उन्हें भी सुपर ऑर्गेनिज्म बनना पड़ता एक सामान्य लोगों के समान। यदि आपको लगता है कि मैं तो एक सुपरमैन हूँ तो फिर आप आधे सुपर स्मार्ट होंगे, पूरे सुपर हीरो नहीं होंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ऐसा मानते हैं कि वे सुपर हीरो है, लेकिन मुझे वो सुपर हाफ स्मार्ट लगते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि सुपर ऑर्गेनिज्म का सिद्धांत क्या है। क्योंकि वे जंगल में दौड़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो सबसे अधिक स्मार्ट है, परंतु उनके आसपास के लोग उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, ना उन्हें सहयोग करते हैं। ये स्लाइड सुपर ऑर्गेनिज्म का एक निचोड़ है। ये कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी थी। ये कहानी एक अंधे व्यक्ति के बारे में थी जिसकी टांगे बहुत मजबूत थी, और एक लंबी लड़की के बारे में जिसकी नजरें बहुत ही बेहतरीन थी। जब उनका विवाह हुआ, यद्यपि वो दो लोग थे लेकिन वो चलते फिरते ऐसे थे जैसे मानो वो एक ही है। ये है वो अवतार जिसे हम सुपर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या आप बाहिनी तरफ उस व्यक्ति को जानते हैं? वो बिल गेट्स है। बिल्कुल, सहयोग सफलता की गारंटी है। जो कंपनियां टीम सहयोग पर ध्यान नहीं देती हैं वे सफल नहीं होंगी, क्योंकि आप सभी लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और आपके अपने अपने बिजनेस हैं, तो अनिवार्य रूप से आप एक कंपनी है। आप दोनों ही हैं, बॉस भी है और एक कर्मचारी भी है। जिस व्यक्ति को आप दाहिने नीचे की ओर देख रहे हैं वो एंड्रयू कार्नेजी है। वो केवल प्राथमिक कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई कर पाए, मगर फिर भी आज वो स्टील के राजा कहलाते हैं और दुनिया के धनी लोगों में से एक है। व्यवसाय की दुनिया में सबसे बड़ा आनंद होता है एक हारने वाले को साथ मिलकर काम करते हुए देखना। यदि आप में से कोई ऐसा है जो अपने आप को सुपर हीरो समझता हो तो आप भी हारने वाले बन जाइए। यदि हारने वाले साथ मिलकर काम करें तो ताकतवर को भी पलटी मार सकते हैं। साधारण लोगों को असाधारण नतीजों के साथ देखकर उन्हें बड़ा आनंद आता था, और यह सब टीम वर्क के द्वारा ही संभव है। टीम वर्क एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें आप सब मिलकर सामान्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। ये वो ईंधन है जो सामान्य लोगों को असामान्य नतीजे उत्पन्न करने के योग्य बनाता है। यदि आप सोचते हैं कि आप असाधारण हैं, तो तेजी से इस मानसिकता को आपको बदल देना है, क्योंकि साधारण लोग ही टीम बनकर काम करते हैं, मगर असाधारण लोग वो होते हैं जो उन्हें दबाते हैं। यही सुपर ऑर्गेनिज्म है, यही सामूहिक बुद्धि है। दीमक सामूहिक बुद्धि के सबसे सटीक उदाहरण है। हर दीमक एक व्यक्तिगत जीव के रूप में काम करता है, और जब वे कोई उपनिवेश बनाते हैं तो अलग होने की अखंडता को वे खो बैठते हैं, और फिर एक उपनिवेश में लाखों दीमक सिर्फ इकट्ठा ही नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसे चलते हैं जैसे मानो वो एक ही दीमक हो। क्या अर्थ है इसका? आइए हम श्रम विभाजन को समझते हैं। चींटियां निरंतर इस तरह से श्रेणियों में बंटी हुई रहती हैं।
इसमें एक प्रजनन वर्ग होता है और एक श्रम वर्ग होता है। श्रम विभाजन के बाद जो काम उन्हें सौंपा गया है वो केवल वही काम करते हैं। वो दीमक जो किसी ढेर के अंदर काम करते हैं वे ऐसे ही नहीं खेलते हैं। वे लगातार प्रवेश मार्ग की रखवाली करते हैं और लगातार टीले की सफाई में लगे रहते हैं और साथ ही अंडों की और सूक्ष्म कीटों की देखरेख करते हैं। असल में वो फुल टाइम गृहिणी का काम करते हैं। सामूहिक बुद्धि के ऊपर एक प्रयोग भी किया था और जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था जेम्स सोरोव की। वो एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने फ्रांसिस गाल्टन के बारे में बातें की थी जो अंग्रेजी और यूनिक्स के संस्थापक थे और इनकी कई बातों को अडॉल्फ हिटलर ने अपनी नीतियों में अपनाया था। और क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग आनुवंशिकी के साथ पैदा हुए हैं इसलिए यूजेनिक्स एक ऐसी संस्था थी जो इस बात पर जोर देती थी कि जो गरीब है वो लगातार गरीब ही रहना चाहिए और बुद्धिमान हमेशा बुद्धिमान होने चाहिए। आधारित रूप से वो ये कह रहा था कि हमें अपने आप को अपनी आनुवंशिकी के अधीन ही रखना चाहिए। इस प्रकार से फ्रांसिस गाल्टन ने एक प्रयोग किया। उसने एक सांड लिया और सांड के विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इसका वजन कितना होगा। तो उस सांड के विशेषज्ञों ने उत्तर दिया कि इसका वजन इतना है। फिर उसने हाफ स्मार्ट लोगों को इकट्ठा किया जो देहाती थे और सांडों के बारे में कुछ नहीं जानते थे और उनसे भी वही प्रश्न पूछा। और 10 लोगों से पूछने के बाद जब उसने औसत वजन लिया तो वो सही निकला और इस घटना ने गाल्टन को हिला के रख दिया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि 10 हाफ स्मार्ट एक विशेषज्ञ से बेहतर है। ये कहानी सामूहिक बुद्धि का एक उदाहरण है। व्यक्तिगत रूप से लोग ऐसे दिख सकते हैं जैसे मानो उनके पास कोई योग्यता नहीं, परंतु जब वो अपनी बुद्धि इकट्ठा करते हैं तो वे पूर्ण बुद्धिमान से कहीं बेहतर होते हैं। हालांकि समाज में हम भी ऐसा करते हैं अलग अलग लोगों से सलाह लेने के द्वारा और अंत में ज्यामितीय अनुक्रम के सिद्धांत के द्वारा हम सफल हो सकते हैं। इस सिद्धांत की तुलना में अंक गणित में हम कहीं ज्यादा कुशल हैं। हालांकि जोड़ और घटाव हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं लेकिन गुणा या भाग करना इतना आसान नहीं होता। ज्यामितीय अनुक्रम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मान लीजिए एक बॉस था जो कंजूस था, हर वक्त बचत करना चाहता था। एक युवक उसके पास आता है और कहता है कि कम से कम मजदूरी में वो काम करेगा। उसने कहा कि आज मुझे 0.001 डॉलर, कल 0.002, परसों 0.004, फिर 0.008 और जब उस कंजूस बॉस ने उसे जोड़ा तो वो करीबन उसे $3 लगा। हालांकि वो तो कुछ दशमलव में ही था मगर उसे लगा कि यह $3 है। आइए हम अगली स्लाइड को देखेंगे कि वो सही था या नहीं था। 10वें दिन उसकी मजदूरी 0.51 डॉलर हुई और 10वें दिन क्योंकि यह 0.51 डॉलर था तो बॉस को लगा कि $1.5 उसके लिए काफी है। और उसके बाद क्या हुआ, 30वें दिन जब मजदूरी जोड़ी गई तो वह 5,36,870.9 डॉलर थी और 31वें दिन 10,73,741.82 डॉलर हुई। इसे कहते हैं ज्यामितीय अनुक्रम। यहाँ पर एक चीज आपको अपने मन में रखनी है, ज्यामितीय अनुक्रम या श्रृंखला ऊंचे स्तर पर लागू होती है लेकिन तब क्या होगा जब वह 10वें स्तर पर आकर रुक जाए, तब तो आप सिर्फ 0.51 डॉलर ही प्राप्त कर पाएंगे। इसके स्तर अनलिमिटेड है लेकिन उसका प्रभाव आपको 30वें स्तर के बाद ही देखने को मिलता है और यही प्रभाव एटॉमी में भी होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड स्तर है मगर आप इसे अकेले नहीं कर सकते। पहली चीज तो आपके पास यहाँ पर डूब लागत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। दूसरा, एकजुट हृदयों का तालमेल, उसके द्वारा भी यह संभव है जो कि आधारित रूप से सुपर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना है और सामूहिक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और अंत में तीसरा है ज्यामितीय अनुक्रम के द्वारा, जैसे कि आपने उस डायग्राम में देखा, यदि आप एक कागज को आधे से 50 गुना फोल्ड करें तो आपको क्या लगता है क्या होगा। क्योंकि आप जोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए कुछ लोगों को लगेगा यह तो मेरे कद का होगा, कुछों को लगे ये तो सीलिंग के बराबर होगा। आप कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या होता है। यदि आप कागज के टुकड़े को 50 गुना आधे से फोल्ड करें तो यह धरती से सूरज तक पहुंच जाएगा। 112.6 किलोमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी और 51 बार फोल्ड करने से धरती से सूरज और सूरज से वापस धरती तक पहुँच जाएगा। ज्यामितीय अनुक्रम इतना शक्तिशाली हो सकता है। धरती से सूरज की यात्रा करने के लिए प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और हवाई जहाज को 17 वर्ष लगेंगे, टैक्सी को 140 के करीबन वर्ष लगेंगे और उच्च गति की रेल जैसे कि KTX से लगभग 114 वर्ष लगेंगे। 50 गुना फोल्ड किए हुए उस पेपर की दूरी को आप तय कर सकते हैं इस ज्यामितीय अनुक्रम के द्वारा, चाहे आप इसे एक और लेवल फोल्ड कर दें। यह घातांकीय तरीके से बढ़ेगा परंतु यह प्रभाव केवल एटॉमी में संभव है, कहीं और नहीं। क्योंकि अगर आपके पास अनलिमिटेड लेवल्स नहीं होंगे तो वह 10वें लेवल पर आकर रुक जाएगा और आपको सिर्फ 0.51 डॉलर ही मिल पाएंगे। परंतु यदि आप 30वें स्तर पर पहुंच जाए तो आप 500,000 डॉलर बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ सिद्धांत है जिनका आपको पालन करना है।
जापान में ये 5 सद्गुण हैं जिन्हें व्यवसायिक आचार संहिता के लिए सुनहरे नियम भी कहा जाता है। पहला है परोपकार, यह है अपने ग्राहकों के विचारों को ग्रहण करने के विषय में। फिर है धार्मिकता, जो कि ईमानदार हृदय और भले मन के विषय में है। फिर है सम्मान, दूसरों का सम्मान करना और विनम्र होना। फिर है बुद्धि, यह प्रोडक्ट्स के निर्माण करने के विषय में है। और फिर है निष्कपटता, यह अपने वादों को निभाने के विषय में है। बिना भरोसे के सेल करना असंभव है। सारांश के रूप में मैं आपको मेंशियस मदर की एक कहानी बताता हूँ। क्या आप में से किसी ने इस कहानी को सुना है? यह प्राचीन चाइनीज लेखों में से एक है। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग इस कहानी को नहीं जानते होंगे। इस कहानी में मेंशियस की माँ अपने बुने हुए कपड़ों को काट देती है, परंतु वो ऐसा क्यों करती है? असल में जब मेंशियस 3 वर्ष का था, उसके पिता गुजर गए थे। अलग अलग राज्यों में युद्धों के दौरान मेंशियस जीवित था और उस वक्त अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अलग अलग राज्यों में लड़ाई चल रही थी और इस वजह से अकेले ही उस माँ को उसकी देखरेख करने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही थी और उसने कपड़े बुनने और बेचने के द्वारा अपनी जीविका चलाने की कोशिश की। और जब मेंशियस 15 वर्ष का हो गया तो वह अपनी पढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा। वह जो राज्य का नागरिक था, मगर पढ़ाई करने के लिए उसे न्यू राज्य को जाना था, परंतु वह सब छूट छाड़ कर वापस आ गया क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मेंशियस की माँ जब कपड़े बुन रही थी तो उसने उससे पूछा कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसने उत्तर दिया, ठीक ठीक चल रही है, क्योंकि अपनी माँ से मिले वो वापस घर लौट आया था। मेंशियस की माँ ने अचानक से चाकू से उस कपड़े को काट दिया जिसे वह बुन रही थी। हैरान होकर मेंशियस ने उससे पूछा कि उसने ये क्यों किया है। तो उसकी माँ ने उत्तर दिया कि तेरा बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसा मैंने इस कपड़े को बीच में से काट दिया है। दूसरे शब्दों में, आपके प्रयास किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनने के बाद मेंशियस का एक बहुत बड़ा विद्वान बनना, इसकी लेख बायोग्राफीज ऑफ एग्जेम्पलरी वुमेन में पाए जाते हैं और उसमें प्राचीन चाइना की सराहनीय महिलाओं के आत्मकथा के लेख भी पाए जाते हैं और इसी किताब में मेंशियस की माँ की कहानी भी मिलती है। जैसा कि सफलता और असफलता के बीच में अंतर होता है, वैसा ही कपड़े को बुनने के बाद तुरंत काट देना भी होता है और साथ ही कपड़े को बुनने की धीमी प्रक्रिया भी। यदि आप इस वजह से छोड़ दें कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप उस युवक मेंशियस के समान होंगे। इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वो पॉल मेयर है। बेघर होने के बाद ही वह अमेरिका का 100वां धनी व्यक्ति बना। अपनी जवानी के समय में वो बेघर था और जब वह 27 वर्ष का हुआ तब वह मिलियनेयर बन गया और गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया। उसके 40 से ज्यादा व्यवसाय थे जिसमें फाइनेंशियल कंपनी भी थी। यह व्यक्ति विख्यात इसलिए नहीं हुआ कि वो एक धनी व्यक्ति था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक अनुसंधान संस्थान स्थापित किया इस बात को जानने के लिए कि वो कैसे सफल व्यक्ति बना। क्यों? असल में तो वो बेघर था। उसे घर से निकाल दिया गया था क्योंकि वह किराया देने के लिए सक्षम नहीं था। हालांकि वह बेघर था, मगर फिर भी सिर्फ 27 की उम्र में वो मिलियनेयर बन गया और गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया। और जो निष्कर्ष उसने निकाला वो था, नजरिया ही सब कुछ है। मामला सिर्फ इतना था कि आपके पास क्या नजरिया है या नहीं है, या फिर मानसिकता अमीर बनने की। और उसके अनुसंधान ने दिखाया कि सभी बातें इसी कारक पर निर्भर करती हैं। उसके अनुसंधान संस्थान अलग अलग देशों में हैं। अपनी आशा को छोड़ देने का विचार मेंशियस के अंदर भी आया, मतलब कि खुद को निकम्मा समझकर खुद का ही नुकसान करना। इसलिए जब आप हताशाजनक स्थिति में होते हैं तो फिर आप अपने आप को छोड़ देते हैं, अपना ध्यान नहीं देते। अपने असल लेख में मेंशियस इस तरह से शुरू करता है कि वे जो अपने साथ हिंसा करते हैं, अर्थात वे लोग जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो आगे कहता है कि उनके साथ बात करना असंभव होता है। वे जो अपने आप को फेंक देते हैं, कुछ भी उनके लिए करना असंभव होता है। मूल रूप से वो लोग जो अपने आप को ही छोड़ देते हैं, इस प्रकार के लोगों के साथ आप ना तो कोई योग्य बात कर सकते हैं और ना ही कोई काम, क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने का वो जोश वो जुनून नहीं होता। सारांश यह है कि कभी भी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। यदि आप कभी हार ना माने तो आप 3 सिस्टम्स के द्वारा सफल हो सकते हैं और वो है 0 डूब लागत। आपको वसूली करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने निवेश ही नहीं किया। दूसरा, यह मायने नहीं रखता है कि आप एक गृहिणी हैं या फिर आप कोई सार्वजनिक अधिकारी है, आपने ये किया है वो किया है या आपके पास MLM का अनुभव है।
क्योंकि हम सब साथ मिलकर संभव बनाने के लिए काम करते हैं और साथ मिलकर काम करने से हम सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और सामूहिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि यह होता कैसे है तो इसकी कोशिश आपको खुद से करनी चाहिए क्योंकि असल में यह कार्य करता है। इसलिए जब आप बिजनेस करते हैं आपको केवल 10वें स्तर पर नहीं जाना, कम से कम 30वें स्तर पर जाना है। इसका मतलब है कि आपको अवसर की कीमत चुकानी होगी। मूल रूप से हर बात की एक अवसर लागत होती है क्योंकि अपने आप को सुंदरता से प्रस्तुत करने के द्वारा या फिर किसी ठंडी जगह पर बैठने के द्वारा अपने चेहरे को बचाते हुए अपनी शान को बचाते हुए आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपका चेहरा आपका समय किसी फेवरेट टीवी शो को नहीं देखता है। आप अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाते हैं बल्कि अपनी ग्रुप मीटिंग्स में चले जाते हैं। ये है वो अवसर लागत जो आपको चुकानी पड़ती है और इस प्रकार से जब तक आप अवसर लागत ना चुकाएं आप सफल नहीं हो सकते। इस तरह से आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आप अवसर लागत चुकाने के लिए तैयार हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा किए बगैर ही वो अमीर बन जाएंगे उन्हें जालसाज या लुटेरे माना जाता है। यदि आप अवसर लागत को चुकाए बगैर ही अमीर बनना चाहते हैं तो या तो आप कोई चालबाज बनेंगे या फिर कोई चोर बनेंगे। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं होता। आपकी आमदनी केवल तभी बढ़ेगी जब आप इस कीमत को चुकाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग सफल हो सके। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।